टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। ये टीवी देख रहे होंगे, न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो, भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि, सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खाके। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा। मैं उन बच्चों में से आता था जो पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में अच्छे होते हैं। तुम इनसे क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो। हाँ मैं भी वैसे ही था, स्पोर्ट्स में अच्छा, क्रिएटिविटी में अच्छा, बस पढ़ाई मत करवाना। फिर रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे ताने मारते थे, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो इनसे। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या है सड़ेली आंटी, पढ़ पढ़ के क्या तुम्हारे विक्की जैसा हो जाऊं? 2 1 2 2 2 4। नहीं नहीं सब।